तमाम वो युवा वोटर्स हैं जो 2024 के चुनाव में पहली बार वोट देने जा रहे हैं। ये छात्र हैं इंटर के, उन्होंने पास आउट किया है, अब ये ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। तमाम ऐसे भी छात्र हैं जो इंटर पढ़ाई कर रहे हैं और ये सभी छात्र पहली बार वोट डालेंगे। और अब हम झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर वोट डालने जा रहे इन मतदाताओं से और इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों से पूछेंगे कि इस सीट पर मुद्दे क्या हैं और इस सीट पर क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए। इसके अलावा जिस तरह से चुनाव का शोर है तो युवाओं में कितना जोश है वोट डालने को लेकर के हम इस पर चर्चा करते हैं। ये बता भैया, चुनाव आने वाला, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 20 मई को मतदान है, आप पहली बार वोट डालने जाएंगे, नाम क्या आपका? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ, ये बताओ किस तरह के प्रत्याशी को होना चाहिए आपके बीच में और क्या लगता है कि क्या क्या काम आपके कराने पड़ेंगे उसको? पहली बात तो ये, यानी कि जो प्रत्याशी वो पढ़ा लिखा हो, यानी कि एजुकेशन उसके पास हो, पढ़ा लिखा हो, तो यानी कि समझेगा दर्द के भाई पढ़े लिखो, यानी क्या युवाओं की क्या यानी कि यहाँ पे डिमांड है। सबसे पहली चीज तो यानी शिक्षा है और दूसरी बात बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यानी कि है, और पढ़ाई तो कुछ ज़्यादा ही यानी कि हाई लेवल होती आ रही महंगाई, तो और शिक्षा है और बेरोजगारी है। और हाईवे वगैरह देखे, नए हाईवे बने हैं, झांसी की रोड अच्छी हुई, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है और मेडिकल लाइन अच्छी हुई, स्कूलों में बदलाव हुआ है और बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही है। झांसी में कानून बहुत अच्छा है, कोई लूट वगैरह नहीं होती है, कोई दंगे नहीं होते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, कहीं भी जाइए भाईचारे से मिलेगा, कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई समाज से समझ नहीं होता है, बहुत बढ़िया है। पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं तो कुछ तो आपके मन में चलेगा? सबसे पहले देश की सुरक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और अपनी आर्मी मजबूत होना चाहिए और आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए देश की। और पढ़ाई, बेरोजगारी और आसपास जिला अस्पताल अच्छे होने चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं हो जाने में, और बहुत मुद्दे हैं। युवाओं की बात करते हैं तो हम एक युवा से पास, अब ये वो लड़का है जिसने अभी इंटर काफी अच्छे नंबरों से पास किया है, 90% से भी अधिक इसके नंबर आए थे। और क्या बनना चाहते भैया? बैंक में जॉब करना चाहता हूँ। इस समय युवा जरूरतें क्या क्या है? जो 12th के बाद पास कर लेते हैं, पास आउट और डिग्री ले लेते हैं, वो बेरोजगार रह जाते हैं। मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ जो इतना पैसा लगा के पढ़ते हैं और जो बिना पैसा लगा, जो बिना पढ़े रिश्वत दे के जॉब पा लेते हैं, इससे मुझे बहुत। परीक्षाओं में एक समस्या है कि बच्चा गरीब जो होता है वो पैसे लगा के फॉर्म भरता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते जो अपने फायदे के लिए पेपर लीक कर देते हैं, तो उससे आम जनता पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उनने पहले 2-3 दिन मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं वो ही फॉर्म में लगा देंगे और अपने कुछ दिन बर्बाद करते हैं। इस बात की मुझे बहुत, वोट डालने जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है और हम अपना वोट, बहुत कीमती है वोट हमारे लिए, बहुत सोच समझ के वोट डालेंगे। एक वोट किसी को जितवा भी सकता है और हार किसी को हार बहा भी सकता है, बहुत जरूरी है वोट डालना। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ आप सभी भी वोट डालें। झांसी में सड़क सुरक्षा और साफ सफाई सब सही है, काम हो रहा है थोड़ा, तो हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चलाए, क्योंकि सरकार पीपल के लिए है, ना कि पीपल सरकार के लिए। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा, बेहतर है, देश प्रदेश में हर तरह बहुत तरक्की हो रही है, साफ सफाई देखी जा रही है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों की पीड़ा महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है। मैं निवेदन करूंगा कि इन चीजों को समाधान किया जाए और जो बच्चे शिक्षा पाने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं उनको नौकरी के लिए श्योरिटी दी जाए और जो महंगी शिक्षा दी जा रही है उस पर काबू किया जाए। अच्छा चुनाव हो तो अच्छा रहेगा, झांसी बुंदेलखंड में गड़बड़ी ना हुए। कितने चुनाव में आपने वोट डाले अब तक? 10-12 साल से डालते चले आ रहे हैं, तो इस बार बड़ा उत्साहित है वोट डालने को। सर आप भी वोट डालने जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा